भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हथेली काटने वाले बदमाश के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में किसी की भी गुंडागर्दी और बदमाशी स्वीकार नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन मोड में है। भाजपा कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी फारूक रहीन उर्फ मिन्नी, जो कि भोपाल के 11 नंबर स्थित जनता कॉलोनी में रहता है, प्रशासन ने उसके घर पर बुलडोजर चलाया और उसके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। इस मामले में अन्य आरोपियों के घर भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। आरोपी फारूक रहीन पर बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर की हथेली काटने का आरोप है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।